किसी के भरोसे पर जीने से जीवन में कामयाबी नहीं मिलती। बेटी को मजबूत करो, बेटियों को प्रैक्टिकल ज्ञान दो, बेटियों को बताओ कि जीवन में कैसे जीना है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मंडल के गांव संभालखी में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा, लड़कियों को प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहिए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव संभालखी में संत गुरु रविदास जी के 645वें जन्मोत्सव एवं आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य मंत्री हरियाणा के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शिरकत की। मुख्य वक्ता के तौर पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रेरणा संस्था की अध्यक्ष रेणु खुंगर शामिल हुई। सर जल्दी जाना है, इनको मुझे थोड़ा काम लगता है कि शिक्षक, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच में डीपीसी मनोज। मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षक ऐसा शब्द है जो आत्मा से सम्मानित होना चाहिए, और शिक्षकों के बिना आपका जीवन अधूरा है, या मैं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शिक्षक ऐसे लोग होते हैं जो आपकी नींव बनाते हैं, आपको मजबूत करते हैं, आपको जीवन की धारा सिखाते हैं। तो इसीलिए शिक्षकों का सम्मान करना एक आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए। मैं आज भी जहाँ जाती हूँ अपने उन टीचर्स से ज़रूर मिलती हूँ जिनसे मैंने ABCD भी सीखी है। तो सभी बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि अपने शिक्षक का सम्मान करें, आपको जो शिक्षा दे, भले ही वो आपका टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपको समाज से जोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो आपको कोई शिक्षा देता है वो सम्मान्य है। महिला आयोग की चेयरमैन होने के नाते आप बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? मैं बेटियों को मजबूत होने की बात करती हूँ। जब हम कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा कैसी होगी, तो पहला नियम ये होना चाहिए कि हर बेटी को मजबूत करें, उसको वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे, उसको सियाना करें कि उसको जीवन में कैसे जीना है। किसी के आधार पर बार बार किसी के भरोसे पे जीने से कामयाबी नहीं मिलती, ये मैंने अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली देखा है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी लड़कियों को बताती हूँ कि अगर अपने जीवन में कामयाब होना है तो खुद पर भरोसा करना सीखें, खुद को मजबूत करना सीखें। आप खुद को मजबूत करेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। संभाल के विश्वविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृत महोत्सव देश के आज़ादी के अंदर जिन महानुभावों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके लिए ये वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां साल आज़ादी का। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें आज लगभग 100 के आसपास अध्यापकों को हमने यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। इस कार्यक्रम में बहुत से महानुभाव यहाँ पर उपस्थित थे। भव्य कार्यक्रम की मैं प्रशंसा करता हूँ, आयोजन समिति के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि एक ऐसे वर्ग को जो सुबह से लेकर शाम तक समाज के निर्माण में, समाज की उन्नति और तरक्की में, समाज को नई दिशा देने में लगा हुआ है, उस वर्ग को सम्मानित करने का काम किया।